किचन में 11 दिया गया है, 2x² बराबर 12 माइनस 5x। सबसे पहले तो इसको हम इधर लेकर आएंगे, तो हो जाएगा 2x² माइनस का 5x इधर आएगा, प्लस का 5x, प्लस का 12 इधर लाएंगे, माइनस का 12 बराबर क्या है, 0 है। अब जब 0 हो गए, सबसे पहले अब इसको हमको लगाना, तो 12 दूनी 24 अब हमको लाना है, तो अब क्या करना, जोड़ने या घटाने पे इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 24x². अब हमको 5x लाना है जोड़ने और घटाने पे, तो कौन संख्या से आंतरिक 24 हो जाएगा, 2x² प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 12 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में से x 2x कामन ले लेते हैं, बचेगा x प्लस का 4 माइनस का 3 कामन ले लेंगे, हो जाएगा x प्लस का 4 बराबर 0। अब इन दोनों में से यहाँ पे दोनों है तो एक ठे ले लेंगे x प्लस 4, अब इधर का लिख लेंगे 2x माइनस का 3 बराबर क्या कर देंगे 0। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर क्या निकल के आएगा माइनस का 4। अब एक बार इसके बराबर करेंगे, x बराबर जब माइनस 4 आ गया तब क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें रख देते हैं, 2 माइनस 4 का वर्ग प्लस 5 गुणे माइनस 4 माइनस 12 बराबर 0, तो 2 को 4 करो 16 हो जाता है, 16 दूनी 32, 4 5 20 प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का आ जाएगा 20 माइनस का 12। अब हम 32 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 12, और इधर है माइनस का 12, इधर हमारे पास 0 दिया गया तो यहाँ भी 0। अब 12 में से 12 गए 0, तो पहला जो हमारा मान निकला था x बराबर माइनस 4 पे हमारा जो उत्तर ज्ञात कर रहा हूँ, इसका आंसर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या है, बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट जब निकालेंगे तो यहाँ पर 2x माइनस का 3 बराबर 0 है, तो x बराबर इधर जाएगा 3/2, x बराबर 3/2, इसके जगह पर हम लोग रखेंगे 2 माइनस 3/2 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस का 5 गुणे 3/2 माइनस का 12 बराबर 0, तो इसका वर्ग जब हम तोड़ेंगे तो 2 × 9/4 प्लस का 15/2 माइनस का 12 बराबर 0। यहाँ पर देखो तो 2 × 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 9/2 प्लस 15/2, हर बराबर है दोनों के, तो 15 में अगर हम जो 9 जोड़ेंगे 15 × 5 = 24/2 माइनस का 12 बराबर क्या करेंगे 0, तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे हो जाएगा 12 माइनस 12 बराबर 0, इधर भी आ जाएगा 0 जब घटाएंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, जो उत्तर की जांच में दोनों हमारा बराबर सही है, तो इसका मान जो आया था x बराबर 3/2 भी उत्तर की जांच में सही आया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 2x प्लस 4/x बराबर 9 दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें हम लोग करेंगे हो जाएगा 2x² प्लस का 4, अब बटे x को उधर लेके जाएंगे हो जाएगा 9x, 2x² ये प्लस का 9x इधर आएगा, माइनस का 9x हो जाएगा, और प्लस का 4 इधर ही रहेगा, बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब देखिए 4 × 2 = 8, गुणा करने पे 8 आना चाहिए और जोड़ने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो 9x हो जाएगा 4 × 2 = 8। 2x² माइनस का 8x माइनस का x प्लस का 4 बराबर क्या कर देंगे 0। अब इन दोनों में से देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो लेंगे 2x कामन, यहाँ मेरे पास बचेगा x माइनस 4, अब यहाँ से हम क्या कामन ले लेंगे, माइनस 1 कामन ले लेंगे, हो जाएगा x माइनस का 4 बराबर 0। जब बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 4, इधर आ जाएगा 2x प्लस का 1 बराबर 0। अब उत्तर की जांच इसका करते हैं, लिखेंगे उत्तर की जांच, अभी उत्तर की जांच नहीं करेंगे, एक बार करेंगे x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 4। अब हम करेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में देखिए जो x बराबर 4 आया हम इसके जगह पर रखेंगे जो हमारा इक्वेशन बना, तो 2 4 का वर्ग कर देंगे इधर, माइनस का 9 गुणे 4 प्लस का 4 बराबर 0, 4 × 16 = 32, 9 × 4 = 36 प्लस का 4, 32 में से अगर हम लोग 36 घटाते हैं तो आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4, कट के आ जाएगा इधर 0, 0 के बराबर 0, पहला मान हमारा निकला x बराबर 4 पे हमारा सही निकला मान। अब हम लगाएंगे इसी प्रकार से 2x प्लस का 1 बराबर 0, तो आ जाएगा 2x, तो x बराबर आएगा माइनस का 1/2। अब हम लोग इसके जगह पर रखेंगे तो 2 माइनस 1/2 के वर्ग करेंगे 1/4 आ जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, करेंगे तो हो जाएगा 9 बटे
नौ बटे दो माइनस का प्लस का चार बराबर जीरो, दो दूनी चार रह जाएगा एक बटे दो प्लस का नौ बटे दो। वैल्यू तो हमारा प्लस का वन बाई टू यहाँ रखेंगे, प्लस का वन बाई टू रखेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस का वन बाई टू, वन बाई टू माइनस का वन बाई टू माइनस का नाइन बाई टू। जब इससे घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का एट बटे दो प्लस का चार। जब इसका मल्टीप्लाई अब हम लोग इधर करेंगे तो हो जाएगा दो चौकी आठ माइनस का आठ प्लस का आठ बराबर जीरो, तो कट गया तो जीरो के बराबर जीरो आ गया। दूसरा भी मान जो हमारा था एल एच एस बराबर आर एच एस, इसके भी वैल्यू रखने पर हमारा दोनों तरफ बराबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया गया क्वेश्चन नंबर थर्टीन, थर्टीन में क्वेश्चन है नाइन एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स माइनस का टू बराबर जीरो। तो सबसे पहले नौ दुनिया अठारह, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे नौ दुनिया अठारह, इसका मतलब गुणा करने पर अठारह माइनस का अठारह एक्स स्क्वायर और जोड़ने पर माइनस का तीन एक्स आएगा, तो लिखेंगे नाइन एक्स स्क्वायर छत्रिक अठारह छ एक्स प्लस का तीन एक्स माइनस का दो बराबर जीरो। अब इन दोनों में से तीन एक्स कामन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर तीन एक्स माइनस का दो, इधर भी प्लस वन कामन ले लेंगे हो जाएगा थ्री एक्स माइनस का टू बराबर जीरो। यहाँ पर दोनों एक जैसा तो लेकिन थ्री एक्स माइनस का टू, इधर होगा थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो, सबके बराबर जीरो करेंगे। एक बार इसके तरफ लेंगे तो लिखेंगे टू एक्स माइनस टू बराबर जीरो, एक्स बराबर दो बटे तीन। अब एक्स बराबर जो दो बटे तीन हमारे पास आया है, इसी का वैल्यू उठा के हमको कहाँ रखना है, इसी वाले समीकरण में रखना है। तो नाइन एक्स का तीन बटे दो रखेंगे, दो बटे तीन का वर्ग माइनस तीन गुणे दो बटे तीन माइनस का दो बराबर जीरो। तो दो का वर्ग जब खोलेंगे चार, नौ गुणे चार बटे का नौ माइनस का छह बटे तीन माइनस का दो बराबर जीरो। नौ से नौ कैंसिल, चार बटे नौ, तीन त्रिका नौ, तीन त्रिका नौ बराबर करके लगाए तो हो जाएगा बारह बटे का तीन माइनस का छह बटे तीन माइनस का दो बराबर जीरो। यहां देखिए हर बराबर है तो बारह बटे छह के छह, यहां से आ जाएगा छह बटे तीन माइनस का दो बराबर जीरो। जब वन लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सिक्स दो तीन दूनी छह, और तीन एक नौ तीन इधर जाएगा जीरो तरफ तो जीरो बन जाएगा, तो इधर भी आ जाएगा जीरो के बराबर जीरो। इसका भी उत्तर जाके हमारा दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर एच एस बराबर एल एच एस मिल गया। इसका मतलब तेरह भी जो हम लोग निकाले थे एक्स बराबर दो बटे तीन पे भी ये मान सही निकला है। अब दूसरा स्टेप देखते हैं हम लोग, इसमें दिया गया थ्री एक्स प्लस वन, यहाँ लिखेंगे थ्री एक्स प्लस वन बराबर क्या करेंगे जीरो करेंगे, तो एक्स बराबर क्या निकल के आएगा माइनस का वन बाई थ्री आएगा। अब एक्स बराबर माइनस वन बाई थ्री इसी वाले इक्वेशन में उठा के रखेंगे जहां पर एक्स है, तो नाइन गुड़े माइनस वन बाई थ्री का वर्ग माइनस का थ्री गुड़े माइनस वन बाई थ्री माइनस का टू बराबर क्या करना है जीरो। तब जब इसका वर्ग तोड़ेंगे हम लोग हो जाएगा नौ गुड़े एक बटे नौ माइनस माइनस प्लस का तीन बटे तीन माइनस का दो बराबर जीरो। अब सॉल्व कैसे करेंगे तो यहाँ देखिए तीन त्रिका नौ, तीन त्रिका नौ हो जाएगा तीन एक नम तीन, तीन बटे तीन प्लस का तीन बटे तीन माइनस का दो बराबर जीरो। जब हम इसको देखें हर बराबर तो तीन तीन लिखेंगे, तीन तीन छः ऊपर वाला हो जाएगा छः बटे तीन माइनस का दो बराबर जीरो। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिएगा तो हो जाएगा ये छः दो तिहाई छः बराबर तीन, तीन एक नम तीन जीरो आएगा इधर जीरो बन जाएगा, तो छः मतलब छः गए जीरो के बराबर जीरो। यहाँ भी लिखेंगे हम लोग एल एच एस बराबर आर एच एस। एक क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर था।